थोड़ा हेल्दी खाने का मन था गाइस, तो आज हम बना रहे हैं आलू बीन्स। छोटे छोटे हमने बीन्स काट लिए हैं, ठीक से साफ़ कर लिया है, और आलू भी एक ही आलू लिया गाइस, ज़्यादा नहीं लिया, कुछ हेल्दी बना रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई रख लिया हमने और इसमें डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। ऑयल हम होने देंगे थोड़ा सा गर्म, वेट करते हैं गाइस। गाइस इतनी बड़ी बड़ी रेसिपी मैं आपको डेली दे रहा हूँ यार, एक बार कमेंट कर दो आज, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि और अच्छी अच्छी रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। ऑयल हमारा हो गया है गर्म, होने पर की करना है, ये जो आलू सजाए हुए हैं ना, इसको हमने कढ़ाई में डाल देने हैं होले होले हाथ से। गाइस ऑयल बहुत गर्म है, ध्यान से डाल दो। सारे आलू हमने कढ़ाई में शिफ्ट कर लेने हैं, सारे आलू हमने शिफ्ट कर लिए हैं कढ़ाई में। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि कच्चा कच्चा जो टेस्ट है आलूओं का वो हट जाए। किस किस ने गाइस ये आलू बीन्स खाए हैं एक बार कमेंट करके बताना, मेरी तो फेवरेट डिश है। जब मैं डाइट करता हूँ ना तो मैं यही खाता हूँ। अब आप बोलोगे आलू नहीं खाते डाइट में, बट आलू इसलिए मैंने कम डाले, आलू मैं घर वालों के लिए छोड़ देता हूँ और मैं बीन्स निकाल के खा लेता हूँ, तो ये भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए आप आ देना है थोड़ा सा जीरा। लो जी गाइस थोड़ा सा और डाल देते हैं और इसको ठीक से मिक्स कर लेते हैं। कढ़ाई गाइस हुनप्पा पा देना है थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको हम ठीक से मिक्स कर लेंगे। अब आप लोग ये कमेंट मत करना कि मेरी कढ़ाई थोड़ी काली हो गई है। गाइस जो मज़ा इस कढ़ाई में है ना वो नई कढ़ाई में नहीं है यार, ये मेरी मम्मी की दहेज की कढ़ाई है जो अभी तक चल रही है। इट्स बीन 30 ईयर्स नाउ, 30 साल हो गए इस कढ़ाई को और अभी तक ऐसी कैसी है। तो आप लोग कमेंट करके ये मत बोलना यार कढ़ाई थोड़ी खाली है, कढ़ाई भाई साहब सुपर है, जो सब्जी इसमें बनती है ना वो नई सब्जी नई कढ़ाइयों में नहीं बनती। आलूओं को गाइस हमने थोड़ा फ्राई कर लिया है, आई मीन हाफ फ्राई कर लिया है। हुनप्पा पाक की करना है, ये जो बीन्स सजे हुए ना हमारे, हमने इसको कढ़ाई में ऐड कर देने। तो चलो करते हैं, सारे बीन्स गाइस हमने कढ़ाई में ऐड कर देने। लो जी हुनप्पा कर देना है ठीक से मिक्स आलू और बीन्स को। आलू और बीन्स हमने ठीक से मिक्स कर लिए हैं, हुनप्पा की करना है, टाइम टू ऐड ऑल स्पाइसेस। मसाले ऐड कर देंगे इसमें, सूखे मसाले हैं गाइस सबके घर में होते हैं, मैं बताता हूँ क्या क्या डालना है। सबसे पहले शुरुआत करनी है हमने, एक चम्मच भर के नमक डाल देना, फिर अपा डाल देनी है लाल मिर्च 1 टेबल स्पून चम्मच भर के, पाई हुआ गया सड़ा गर्म मसाला घर का पिसा हुआ, और पिंच ऑफ हल्दी। सारे मसाले आप पा रहे हैं गाइस, हूँ आप इसको मिक्स कर देंगे मसाले ठीक से। सारे मसालों को हमने ठीक से मिक्स कर देना है कि एक एक दाने में भाई साहब मसाला लग जाए ठीक से। सारे मसाले हमने ठीक से ऐड कर दिए, हूँ आप अपनाना है दादी का नुस्खा गाइस। ये पूरी प्लेट है ढक के रख दी हमने कढ़ाई को, सब्जी को लो फ्लेम पे हम इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे। तो मिलते हैं गाइस 10 से 15 मिनट के बाद, थैंक यू। 10 से 12 मिनट हो गए हैं और मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ भाई साहब, पूरे घर में ऐसा अरोमा आ रहा है ना सब्जी का, ऐसी खुशबू आ रही है ना आप सोच भी नहीं सकते। अब मैं प्लेट खोल के देखता हूँ गाइस सब्जी कितनी बन गई हमारी, तो मैं ये एक बार ढक्कन हटा देता हूँ, एक सेकंड गाइस। मुबारक जी मुबारक गाइस, चेक इट आउट भाई साहब, सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है। कैसे पहचानेंगे बन गई है, ये देखो आलू हमारा प्रॉपर गल गया, ये मैंने काट के दिखा दिया आपको। ओए होए 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 क्या अरोमा आ रहा है गाइस, मज़े आ गया यार मज़े आ गया। इसको आप किसी के साथ भी खा सकते हो, नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ, क्या खाली भी खा लो गाइस मज़ा ही आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में गाइस। कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो, आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी मैं घर की घरेलू लाता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, बाय नाउ बाय।